Hello students of class 7th. Today we will discuss chapter number 2, Nutrition in Animals. Nutrition, write down its Hindi meaning, poshan. You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. आप सभी ने चैप्टर 1 के अंदर ये पढ़ा है कि जो पौधे हैं वो अपना खाना कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से, लेकिन जो जानवर हैं वो नहीं बनाते. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. जितने भी जानवर हैं वो अपना खाना किससे लेते हैं, पौधों से लेते हैं. आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. जितने भी जानवर हैं वो अपना खाना पौधों से लेते हैं, या तो वो किसी पौधे को खा करके अपना भोजन बनाते हैं, या फिर जो जानवर पौधे खाते हैं ये उनको खा करके अपना भोजन बनाते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ऐसे एनिमल्स जो दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं उनको बोला जाता है ओमनीवोर्स. ओके, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उनको बोला जाता है हर्बीवोर्स. और ऐसे एनिमल्स जो एनिमल्स को खाते हैं उनको बोला जाता है कार्निवोर्स. ओके, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म including human require food for growth, repair and functioning of the body. याद रखिए कि सभी जीव, जिसमें कि human beings भी आते हैं, वो अपने लिए जो खाना बनाते हैं वो ताकि उनकी जो growth है वो होती रहे, उनके जो tissues हैं वो जो ख़राब हो गए हैं वो ठीक होते रहें, और उनका जो शरीर है वो ठीक तरीके से काम करता रहे, तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, खाने की. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. जो जानवर अपना पोषण करते हैं उसके अंदर उन्हें पोषक तत्वों की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है. मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड. मोड ऑफ इनटेक का हिंदी मीनिंग है स्टूडेंट्स सेवन की विधि, कि वो जो ये खाना है उसका सेवन किस तरीके से अपने शरीर के अंदर कर रहे हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उसका उस खाने का उपयोग वो अपने शरीर के अंदर किस तरीके से कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एनिमल न्यूट्रिशन. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. और खाने के जितने भी हमारे भाग होते हैं उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कैसे पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं. These complex substances cannot be utilized as such. और ये जटिल पदार्थ सीधे तरीके से उपयोग में नहीं आते. So they are broken down into simpler substances. तो इसीलिए ये जितने भी पदार्थ हैं ये सरल पदार्थों में टूट जाते हैं. The breakdown of complex components of the food into simpler substances is called digestion. और students यहाँ पर एक और definition आती है, what do you mean by digestion. तो इसके अंदर जब कोई भी जटिल भाग जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जब वो टूट जाते हैं किसी सरल पदार्थ में, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है डाइजेशन, यानी कि पाचन.
अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. जो खाना लेने की जो प्रणाली है शरीर के अंदर वो क्या करती है, वेरी करती है. अलग अलग जीव में अलग अलग जीव अपना भोजन अलग अलग तरीके से ग्रहण करता है. बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. मधुमक्खी और चिड़ियाएं जो क्या करती हैं, जो फूलों के अंदर रस होता है जिसे बोला जाता है नेक्टर, वो इसको क्या करती हैं, चूसती हैं. ओके, तो इस तरीके से ये जो मधुमक्खियां हैं और हमिंग बर्ड्स हैं वो अपना भोजन ग्रहण करती हैं. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. और इसी तरीके से जो अन्य जानवर हैं वो अपना भोजन किससे लेते हैं, अपने माँ के दूध से लेते हैं. ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. और सांप जैसे कि पाइथन वो अपना शिकार किस तरीके से करते हैं कि जो भी उनका शिकार होता है ये उनको क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं. स्वेलो का मतलब है निगल. ओके, सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम. कुछ जलीय जीव क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे भोजन के जो कण होते हैं वो इनके आसपास जो है वो पानी के अंदर तैरते रहते हैं, तो ये उन्हीं से ही अपना भोजन बनाते हैं. फीड का मतलब है स्टूडेंट्स भोजन. ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्टर को हम इंग्लिश में किस तरीके से डिफाइन करेंगे. नेक्टर इज़ अ स्वीट जूस प्रेजेंट इन द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. ओके, तो नेक्टर को हिंदी में बोला जाता है रस. एंड दीज आर द स्वीट जूसेस दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. ओके, एक्टिविटी 2.1. व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. इसमें स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि कौन सा जानवर किस प्रकार का खाना खाता है एंड देयर मोड ऑफ फीडिंग. मोड ऑफ फीडिंग का मतलब है स्टूडेंट्स खिलाने के तरीके, और इन जानवरों के खिलाने के तरीके क्या हैं ये सब हम नीचे जो ये टेबल दी गई है 2.1 जिसके अंदर लिखा है वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग, इसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल. और इसी तरीके से जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको इस टेबल के अंदर नोट डाउन करनी है. यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल. और आप ये पाते हैं कि जो खिलाने के तरीके हैं वो जब आप इस टेबल के द्वारा जान लेंगे तो ये आपको क्या करेंगे, सहायता देंगे कि कौन सा एनिमल कौन से एनिमल का मोड ऑफ फीडिंग क्या है. ओके, तो इस टेबल को डिस्कस करने से पहले हम ये जो वर्ड्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं. जैसे स्क्रैपिंग का हिंदी मीनिंग होता है छिलना, च्यूइंग का मतलब होता है चबाना,
सिफोनिंग का मतलब होता है काटना, कैप्चरिंग का मतलब होता है पकड़ना, स्वेलोइंग का मतलब होता है निगलना, और सकिंग का मतलब होता है चूसना। ओके, अब यहाँ पर हम जो हमने ये मोड ऑफ फीडिंग हमने नीचे ये पढ़ी, अब इन्हीं को ही हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की मोड ऑफ फीडिंग पढ़ेंगे और उनके खाने के प्रकार इस टेबल के अंदर पढ़ेंगे। ओके, स्नेल, स्नेल का जो काइंड ऑफ फूड है वो क्या है, स्मॉल प्लांट्स, और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब है छीलना। एंट, एंट क्या खाती है, ग्रेन्स यानी कि अनाज, ये अनाज को पहले तो छीलती है और फिर उसको चबाती है, तो छीलने को बोलेंगे हम स्क्रैपिंग और चबाने को बोलेंगे च्यूइंग। ऐसे ही जो ईगल होता है, ईगल का जो काइंड ऑफ फूड है वो है रेप्टाइल्स एंड स्मॉल फिशेस। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो रेंगते हैं, जो रेंगने वाले जानवर होते हैं उनको रेप्टाइल्स बोला जाता है, और छोटी फिशेस, छोटी मछलियाँ, तो ये इनका क्या है, काइंड ऑफ फूड, एक भोजन का प्रकार है। ओके, तो ये क्या करते हैं, कैप्चरिंग, कैप्चरिंग का मतलब पहले तो अपने शिकार को पकड़ते हैं फिर उसको क्या कर जाते हैं, ये निगल जाते हैं, स्वेलोइंग। ओके, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड का काइंड ऑफ फूड है नेक्टर। मोड ऑफ फीडिंग क्या है, सकिंग। लाइस, लाइस का हिंदी मीनिंग होता है जू, इनका काइंड ऑफ फूड क्या है, ब्लड, और मोड ऑफ फीडिंग क्या है, सकिंग। मॉस्किटो, मॉस्किटो का काइंड ऑफ फूड क्या है, ब्लड, और मोड ऑफ फीडिंग क्या है, सकिंग। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का काइंड ऑफ फूड क्या है, नेक्टर, और मोड ऑफ फीडिंग क्या है, सकिंग। ऐसे ही हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का काइंड ऑफ फूड क्या है, वेस्ट फूड। वेस्ट फूड के अंदर भी जो उनका जो लिक्विड होता है, जो उनका तरल पदार्थ होता है, ये उसको क्या करती हैं, सक करती हैं। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के काइंड ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग के बारे में पढ़ लिया है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम जो खाना है वो अपने मुंह के अंदर लेते हैं, उसको शरीर के अंदर उपयोग में लेकर के आते हैं और फिर वो खाना पच जाता है। ओके, द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड्स आर डेफिकेटेड। डेफिकेटेड को हिंदी में बोला जाता है मल त्याग। जितना भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो जो कि हमारे खाने के अंदर होता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड वॉट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आप सभी लोगों ने कभी ये सोचा है कि जो खाना हमारे शरीर के अंदर है उसका क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल, जो खाना है वो जो नली है उसके थ्रू गुजरता है। विच बिगिन्स एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, जो कहाँ से शुरू होती है, हमारी जो नली होती है वो बकल कैविटी से स्टार्ट होती है। बकल कैविटी को हिंदी में बोला जाता है मुख गुहा, और ये कहाँ पे ख़त्म होती है, एनस। एनस को हिंदी में बोला जाता है गुदा। ओके,
और इंग्लिश में आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्सक्रेटरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सबसे आखिरी कंपार्टमेंट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, यानी कि हमारी आहार नलिका का। ओके, इस तरीके से जो हमारी नलिका होती है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स के अंदर बटी हुई होती है। इसमें सबसे पहले आती है बकल कैविटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है मुख गुहा। दूसरे नंबर पर आता है फूड पाइप और ओसोफेगस। ओसोफेगस को हिंदी में बोला जाता है भोजन नलिका। तीसरे नंबर पर आता है स्टोमक। स्टोमक को हम हिंदी में बोलते हैं आमाशय। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, एंडिंग इन द रेक्टम। रेक्टम को हिंदी में बोलते हैं मलाशय। एंड देन एनस। एनस को बोला जाता है हिंदी में मल द्वार, ओके, या फिर गुदा भी बोल देते हैं हम इसको हिंदी में। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये लंबा रास्ता नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, और ये सभी जितने भी अंग हैं जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, आहार नलिका यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी हम इसको बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिंदी मीनिंग होता है पाचक पथ। ओके, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट्स डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जितने भी हमारे खाने के अवयव होते हैं वो पच चुके होते हैं एज द फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जैसे जैसे हमारा खाना इन सभी कंपार्टमेंट से होकर के गुजरता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सेलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पेनक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। और जो हमारी इनर वॉल्स होती हैं कहाँ पे, पेट के अंदर, जो स्टूडेंट्स इनर वॉल्स होती हैं पेट के अंदर, उनको इंग्लिश में बोला जाता है म्यूकोसा। ओके, तो आप इसको अपनी रफ नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो छोटी आंत होती है और इसके साथ में बहुत सारी ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं इस नलिका के साथ, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां, द लीवर, लीवर को हिंदी में बोला जाता है यकृत, एंड द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को हिंदी में बोला जाता है अग्नाशय, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। ये सभी पाचक रसों को स्राव करती हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। और ये जितने भी हमारे पाचक रस होते हैं ये सभी क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं हमारे खाने के अंदर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, उनको सरल पदार्थों में बदल देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमारे पाचक पथ के अंदर और इसके इससे जुड़ी हुई जितनी भी ग्रंथियां हैं वो
एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचक तंत्र। ओके, नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम ये जानेंगे स्टूडेंट्स कि क्या होता है हमारे खाने का जब वो अलग अलग अंगों में जाते हैं, ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि जो पाचक पथ के अंदर जितने भी हमारे अंग होते हैं जब वो अलग अलग भागों के अंदर जाएगा हमारा खाना, तो उसका क्या होता है, ये चीज़ हम आगे चैप्टर के अंदर अब पढ़ेंगे। ये है स्टूडेंट्स हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचक तंत्र। इसकी शुरुआत होती है बकल कैविटी से यानी कि मुख गुहा से, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां आती हैं, उसके बाद आता है ओसोफेगस यानी कि भोजन नलिका, उसके बाद आता है लीवर, लीवर को बोला जाता है हिंदी में यकृत, फिर आता है स्टोमक यानी कि आमाशय। फिर यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट्स, गॉल ब्लडर। ठीक है, गॉल ब्लडर को आप हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। इसके बाद आती हैं पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय। फिर आती है हमारी छोटी आंत, उसके बाद आती है बड़ी आंत, फिर आता है मलाशय और आखिर में आता है मलद्वार यानी कि एनस। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे द माउथ एंड द बकल कैविटी, मुख और मुख गुहा। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम जो खाना लेते हैं अपने शरीर के अंदर वो किसके द्वारा लेते हैं? मुंह के द्वारा, यानी कि माउथ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेकिंग फूड। The process of taking food into the body is called ingestion। और ये जितना भी process होता है food को अपने शरीर के अंदर लेने का इसको बोला जाता है ingestion यानी कि अंतर्ग्रहण। We chew the food with the teeth। हम खाने को अपने दांतों से चबाते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इंटू स्मॉल पीसेस, और उस खाने को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इंटू अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, और हर एक जो दांत होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, उसका एक अलग ही एक सॉकेट होता है। सॉकेट्स वो होते हैं स्टूडेंट जिसके अंदर जो हमारे दांत हैं वो ठीक तरीके से आ जाते हैं, और इन दांतों को सपोर्ट करने का काम कौन करता है? गम्स। ठीक है, तो ये गम्स की वजह से हमारे दांत उस सॉकेट के अंदर टिके हुए रहते हैं। तो हर एक टीथ का अपना ही एक सेपरेट सॉकेट होता है और उसके अंदर गम्स भरे रहते हैं। Our teeth vary in appearance and perform different functions। हमारे जो दांत होते हैं वो उनकी जो दिखावट होती है वो अलग अलग होती है, और इस दिखावट की वजह से ही जो इनके कार्य हैं वो भी अलग अलग होते हैं। उनके क्या कार्य होते हैं वो हम आगे चैप्टर के अंदर अभी पढ़ेंगे। Accordingly, they are given different names। और इसी की वजह से उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। Activity 2.2, wash your hands, look into the mirror and count your teeth। अपने हाथ धो,
अपना चेहरा शीशे के सामने देखो और अपने दांतों को क्या करो, गिनो. यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ. जो आपके सीधे हाथ की सबसे पहली उंगली होती है उसको इंडेक्स फिंगर बोला जाता है. आप उस उंगली से, उंगली को अपने दांत के ऊपर लगाओ और उनको फील करो कि आपको किस तरीके की जो फीलिंग है वो आपके अंदर आ रही है. हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड. और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है अब स्टूडेंट्स की, कितने तरीके के हमारे दांत होते हैं. ओके, टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट. और आप एक सेब का टुकड़ा ले लीजिए और या फिर एक ब्रेड का टुकड़ा ले लीजिए और उसे खाइए. विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग. कौन सा दांत आप उसको उस टुकड़े को काटने के लिए, कौन सा दांत आपका यूज़ में आ रहा है. ओके, विच वन इज़ यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग. और कौन सा दांत ऐसा है जो उसको उस टुकड़े को भेद रहा है और उसको फाड़ रहा है. ठीक है, पियर्सिंग को बोला जाता है भेदने वाले दांत, टीयरिंग को बोला जाता है फाड़ने वाले दांत. ऑल्सो फाइंड आउट द वन दैट इज़ यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. और ऐसे कौन से दांत हैं जिनसे आप खाने को चबा रहे हैं या फिर उस खाने को पीस रहे हैं. ठीक है, आइए हम अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस टेबल 2.2 के अंदर लिख लेते हैं. टेबल 2.2, टाइप ऑफ टीथ, किस प्रकार का आपका दांत है. नंबर ऑफ टीथ, कितने दांत हैं. लोअर जॉ एंड अपर जॉ, नीचे वाले जबड़े के अंदर और ऊपर वाले जबड़े के अंदर. और क्या टोटल है. ओके, सबसे पहला आता है कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, जो आपके काटने वाले दांत होते हैं. जो काटने वाले दांत होते हैं उनको बोला जाता है इंसीजर. ओके, इंसीजर जो होते हैं लोअर जॉ में कितने होते हैं, 4, और अपर जॉ में कितने होते हैं, 4. टोटल इंसीजर्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर 8. ऐसे ही स्टूडेंट्स, जो लोअर जॉ होता है उसको बोला जाता है मैंडिब्यूलर जॉ, अपर जॉ को बोला जाता है मैक्सिलरी जॉ. ओके, पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, फाड़ने वाले और भेदने वाले दांत, ये होते हैं आपके कैनाइंस. ठीक है, इनको समझने से पहले मैं आपको इंसीजर एक बार और बता देता हूँ. इंसीजर्स को हम शार्पन्ड, शेप्ड फ्रंट टीथ भी बोलते हैं. जो हमारे सामने के दांत होते हैं वो थोड़े थोड़े से नुकीले होते हैं तो उनको बोला जाता है इंसीजर. फिर आते हैं कैनाइंस. कैनाइंस हमारे भेदने वाले दांत और फाड़ने वाले दांत होते हैं. इनको इंग्लिश में कस्पिड्स भी बोला जाता है. तो कैनाइंस हमारे लोअर जॉ में कितने होते हैं, 2, और अपर जॉ में कितने होते हैं, 2, और टोटल हमारे माउथ के अंदर कितने कैनाइंस होते हैं, 4. फिर तीसरे आते हैं च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ. ये जो कैनाइंस होते हैं ये शार्पर और पॉइंटेड होते हैं. च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, चबाने वाले दांत और पीसने वाले दांत, ये होते हैं प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स को इंग्लिश में बोला जाता है बाइकस्पिड्स. तो 4 प्रीमोलर हमारे कहाँ पे होते हैं, नीचे वाले जबड़े में, और 4 ही प्रीमोलर हमारे ऊपर वाले जबड़े में होते हैं.
तो इसीलिए हमारे मुंह के अंदर 8 प्रीमोलर्स होते हैं। उसके बाद सबसे एंड में आते हैं हमारे मोलर्स, जिनको बोला जाता है दाढ़ के दांत। तो नीचे वाले जबड़े के अंदर कितने मोलर्स होते हैं? 6, और ऊपर वाले जबड़े के अंदर जो मोलर्स होते हैं वो होते हैं 6। यानी कि हमारे जो टोटल मोलर्स होते हैं वो कितने होते हैं माउथ के अंदर? 12। इस तरीके से स्टूडेंट्स जब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल टीथ हमारे माउथ के अंदर होते हैं 32। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर 32 टीथ इन आवर माउथ। नाउ सी दिस फिगर स्टूडेंट्स, दिस फिगर इज शोइंग यू द अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, कि हमारे जो दांत हैं वो किस अरेंजमेंट में हमारे जॉ के अंदर लगे हुए हैं, और अलग अलग तरीके के दांत इसके अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फ्रंट के जो 4 टीथ्स हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है इनसीजर। ओके, ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जो 2 टीथ आते हैं, सॉरी 1 टीथ आता है इन 4 के बाद, एक तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, एक राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, तो इन दोनों को बोला जाता है कैनाइन। ये शार्पर एंड पॉइंटेड होते हैं। ओके, उसके आगे वाले जो 2 दांत होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर। कैनाइन से जो आगे 2 दांत राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं उनको बोला जाता है प्रीमोलर। ऐसे ही प्रीमोलर से जो आखिरी के 3 दांत जिन्हें बोला जाता है दाढ़ के दांत, उनको बोला जाता है मोलर्स। तो ये राइट हैंड साइड पे कितने होते हैं? 3, और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने होते हैं? 3। तो टोटल देयर आर 6 मोलर्स इन आवर इन लोअर जॉ। ओके, और अपर जॉ में भी 6 होते हैं, तो इसी तरीके से जो टोटल मोलर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 12। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारे टीथ का अरेंजमेंट। और ये तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहता हूँ अब यहाँ, कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ, इनसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स आपको जो मेरा वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।